पापा जी, आपका खून मैच हो गया। सौम्या की हालत बहुत खराब है, आइए उसे खून दे दीजिए। पापा जी, ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास, आइए। नहीं नहीं, मैं खून नहीं दूं, नहीं दूं। पापा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मां, सौम्या की हालत, मैं कहीं और से ले आता। मैं अस्पताल से पूछता हूं। अंदर कहां पूछ के आता है भाई? तेरा खून मैच हो रहा है और डॉक्टर ने बोला तेरा। वो तेरी बेटी है ना? क्या वो क्या है ना अंकल जी, पापा का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए शायद वो डर रहे हैं कि कहीं दी को कुछ हो ना जाए। ओ यार, इतना बड़ा अस्पताल है, इतने बड़े डॉक्टर है, अगर ऐसी कोई बात होती तो डॉक्टर तेरे को खून देने को कहता ही क्यों? हाँ पापा, अंकल जी ठीक कह रहे हैं। सुमुदी, आपका भी तो खून है ना, और आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? कमाल है यार। आजा आजा, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। आजा, आओ मेरे साथ, आओ। आई बैठ लगाइए। मनिंदर, गोदान, विद्यादान और रक्तदान, ये सबसे बड़ा दान होता है। तेरा खून तेरे बच्चे के लिए जहर कैसे हो सकता है? आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। सतनाम, सतनाम। तू इस घर में आई है ना, रोज फूटी किस्मत की मार झेल रहा हूं मैं। चल भाग। कितनी भी नफरत कर लीजिए आप, कितना भी भला बुरा बोल लीजिए, पर सच्चाई यही है कि सुमुदी के साथ आपका रिश्ता है, और आज नहीं तो कल आपको भी ये बात माननी ही होगी। वो मेरी बेटी नहीं है, नहीं है मेरी बेटी। मुझे हमारे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौम्या की विदाई मतलब भाई इज्जत की नीलामी है, कोई हक नहीं उसे शादी ब्याह करने का। ये काम नहीं हो सकता ना, मैं जान से मार दूंगा उसे, समझी तू? पकड़ 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 डाल दे, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। जी कैसी है? ठीक है, खून चढ़ाया है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, कहते हैं
थोड़ी देर में रिपोर्ट देते हैं। जी, अभी खून चढ़ रहा है, किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़नी। सब लोग थक गए हैं, आप सबको लेकर घर जाओ, मैं यहां सौम्या के पास रुकता हूं। ना जी, वो हमने नहीं जाना। अब पीतो, मैं रुक रहा हूं, तुम लोग जाओ। आओ जी, सबको लेकर घर जाओ। तो ठीक है, चले जाते हैं। रात को कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मुझे फोन करना। हाँ हाँ, ठीक, जाओ। चल ठीक है, आ जा। मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए ना, आप लोग काफी थक गए हो, तो मैं आपको रास्ते में छोड़ता हुआ चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, पर जब तक सोमू नहीं ठीक हो जाती मैं थी रांगी। मैं भी अंकल जी। जैसे आपकी मर्जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ प्रीतो। चल बेबे। मम्मी जी, एक बात सच सच बताइएगा, आप यहां आंसू मेरी बोटी के लिए बाहर ही हैं या फिर इसलिए बाहर ही कि आपने बहुत देर से चाय नहीं पी? मम्मी जी, पूजा पाठ और अरदास तो नहीं करता मैं, लेकिन हाँ, भरोसा पूरा है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। आप लोग यहां बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूं। गर्मा गर्म चाय पीते ही होगा मूड फ्रेश, और फ्रेश मूड से दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आएंगी, पॉजिटिव वाली। आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। सुनिए, नीचे मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां ले आइए। मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी आप बैठो। खुल गई ना सच्चाई उसके सामने, क्या किया उसने। अब तुम क्या चाहती कि दुनिया के सामने भी उसकी सच्चाई खुल जाए और निकाल ले उसकी जान जो बची हुई है। निम्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भेज दो मेरे साथ उसे। कहीं नहीं जाएंगी वो। सोमोदी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। अब तक मम्मी अकेली थी, अब मैं हूं उनके साथ, सोमोदी की ढाल बनके। उन तक पहुंचने से पहले ना किसी को भी, मतलब किसी को भी
मेरा सामना करना होगा। अब तक माँ थी, अब तू भी आ गई है उसके जिंदगी में ग्रहण बनकर। अगर मैं अपने पे आ गई ना, तो कहीं तुम पर ग्रहण ना बन जाऊं। सोचना भी मत कि मेरी सोमूदी को तुम अपने साथ ले जा सकती हो। ये बताओ, खुद जाओगे यहां से या फिर सिक्योरिटी को बुलाऊं? ये तो बच्ची है, पर तुम तो उसकी माँ हो। अपनी बेटी का भला बुरा अच्छी तरह से समझती हो। उसकी जान बचानी है या उसे मौत के कुएं में धकेलना है? अब ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। ये मर्दों और औरतों की दुनिया है ना, इनके बीच में एक अधूरी सी जगह है बस हमारी। पर अफसोस, इस दुनिया ने इस बीच की जगह के लिए जगह ही नहीं बनाई। एक कड़वा सच ये भी है कि तू नहीं। आई एम सॉरी गुलाबो, जानता हूं बहुत बुरा हूं मैं। तुम पे चीखा चिल्लाया, पर एक बात कहूं, जब तुम सो रही थी ना, तो मैंने बहुत बार तुमसे सॉरी भी बोला। तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी तुम पे चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं। मुझे माफ किया? अभी अभी बेहोशी की हालत से उठी है ना, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही। थोड़ा वक्त दो, खुद ही तुमसे बात करेगी। तुसी अपनी सिर्फ एक ही बच्ची को प्यार करते, मैं अपनी दोनों बच्चियों को प्यार करती। तुसी सौम्य दे नाल जीओगे नहीं और मैं सुरभि दे बिना यहां से जाऊंगी नहीं। छोड़ो उसे। अरे छोड़, तुझे जाना है तो जा,
अपनी बेटी को भी नहीं जाना तुझे। जो लोग उसे इंसान ही नहीं समझते, घास फूस समझते, उन लोगों के नाल मैंने रहना ही नहीं है और न ही कोई रिश्ता रखना है। मैनू तलाक चाहिए। पैदा ही क्यों किया मुझे, क्यों माँ? मेरी वजह से आप और पापा के बीच में इतनी दूरियां आई, इतनी कड़वाहट आई। ऐसी कोई बात नहीं पुत्र, मैं आप जैसी नहीं हूं। मैं इस दुनिया की नहीं, जिंदा क्यों रखा मुझे, जिंदा क्यों रखा मुझे? अगर तू इस दुनिया की नहीं है ना, तो मैं भी इस दुनिया की नहीं हूं। तेरी माँ हूं, तू मेरा खून है पुत्र। मैं एक बेटी नहीं हूं, मैं एक बहू बन सकती हूं। जिस हरमन का तू इंतजार कर रही है ना, वो भी इसी समाज का हिस्सा है। और जिस दिन उसे पता चल गई सच्चाई, वो घर से बाहर निकालेगा। जानती थी ना वो कि मैं हरमन जी को पत्नी का सुख नहीं दे सकती, फिर क्यों करवाई मेरी शादी? मेरी शादी क्यों करवाई माँ? क्यों हरमन जी की जिंदगी बर्बाद की? ऐसा ना बोल पुत्र, छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। पर दी, ये मम्मी की क्या गलती है? हाँ, उन्होंने तो आपको हमेशा बचाकर रखना चाहा था। मैं डर था कि डर मुझे अपनी दुनिया से मेरी दुनिया में भेजने का डर। मेरी दुनिया में पुत्र ना बोलिए सर, सुन तो मैं आप लोगों जैसे नहीं हूँ। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ माँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं मुझे जिंदा ही क्यों रखा माँ? मुझे मुझे पैदा होते ही मार देती माँ। मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी जिंदा रह के? मैं For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.